विजयदशमी के अवसर पर हमीरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापना दिवस के रूप में मनाया और शस्त्र पूजा और पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक अशोक कुमार, जिला कार्यवाहक किशोर सिंह के अलावा सांसद अनुराग ठाकुर, पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, विधायक विजय अग्निहोत्री के अलावा काफी गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की। शस्त्र पूजा के उपरांत हमीरपुर बाजार में ढोल नगाड़ों के साथ पथ संचलन किया गया, जिसमें सैकड़ों स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य किशोर ने बताया कि विजयदशमी के अवसर पर स्वयंसेवक अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और स्थापना दिवस के मौके पर पथ संचलन बाजार में किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में चुनाव बिल्कुल नजदीक होने के कारण इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा मनाई जाने वाली विजयदशमी पर्व पर राजनीति से जुड़े हुए अधिकतर नए चेहरे भी कार्यक्रम में दिखे, तो वहीं क्षेत्रों से बीजेपी की ओर से दावेदारों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई ताकि इसका लाभ चुनावों के लिए मिल सके। आज का ये विजयदशमी उत्सव, हम सब जानते हैं ये संघ की स्थापना का दिवस है और ये पूरे भारतवर्ष में इस दिवस को संघ की स्थापना वर्ष के रूप में मनाया जाता है और हिंदू परंपरा के अनुसार आज का दिन शस्त्र पूजन का भी ये दिन रहता है, इसीलिए संघ ने शस्त्र पूजन दिवस के नाते भी इस दिन को जोड़ा है और ये हमीरपुर जिला का एकत्रीकरण के नाते जिले भर के कोने कोने से आए हुए स्वयंसेवक 500 से ऊपर की संख्या यहाँ पे उपस्थित है और आज अभी इस पूरे हमीरपुर नगर में आज संचलन यानी शक्ति प्रदर्शन के नाते इस कार्यक्रम को संघ मनाता आ रहा है और उसी का ये एक कार्यक्रम अपने हमीरपुर जिला में है। इस कार्यक्रम में अपने इस प्रांत की ओर से हिमाचल प्रांत के सह प्रांत कार्यवाह श्रीमान अशोक जी का आज उद्बोधन इस कार्यक्रम पर मिल रहा है।